केंद्रीय सेना समिति द्वारा 52वें स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि आज ही के दिन में 12 मार्च 1970 को केंद्रीय सेना समिति का गठन हुआ था। बाबा कार्तिक उराव जो केंद्रीय सेना समिति का गठन किए थे, उनका यही सोच था कि केंद्रीय सेना समिति के माध्यम से पूरे देश के आदिवासियों को एक सूत्र में जोड़ा जाए और इनके सांस्कृतिक और धार्मिक पिछड़ेपन है उनको आगे किया जाए। केंद्रीय सरना समिति के कार्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में केंद्रीय सरना समिति का 52वें स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आज ही के दिन में 12 मार्च 1970 को केंद्रीय सरना समिति का गठन हुआ था। चूँकि बाबा कार्तिक उराव जो केंद्रीय सरना समिति का गठन किए थे, उनका यही सोच था कि केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से पूरे देश के आदिवासियों को एक सूत्र में जोड़ा जाए और इनके जो सांस्कृतिक और धार्मिक पिछड़ेपन है और जो आदिवासी समाज एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने देखा कि आदिवासी समाज पूरे विश्व में कमज़ोर है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, तो बाबा कार्तिक उराव आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए इस समिति का निर्माण किया। और केंद्रीय सरना समिति का काम है कि जितने भी हमारे आदिवासी समाज में पिछड़े हैं, अशिक्षित है, या जो दबे कुचले लोग हैं, ऐसे लोगों को उत्थान करना है। और जो धार्मिक सांस्कृतिक मामला है, जैसे सरहुल है, कर्मा है, या आदिवासी के जितने भी पर्व त्यौहार है, उसको एकजुटता लाए, उसको धूमधाम से मनाए, और इसी के माध्यम से आज हम लोग सरहुल कर्मा त्यौहार मना करके आदिवासियों को एकजुट करने का प्रयास किए हैं। और इसी का देन है कि आज लाखों लाख की संख्या में सरहुल के दिन में लोग अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक और एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं, जो पूरे विश्व में आज आदिवासी समाज को जाना जाता है। और आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को आज तक बचाए हुए है। और आज केंद्रीय सरना समिति आदिवासी समाज में जो धर्मांतरित जो लोग कर रहे थे, उनको भी रोकने का काम किया। बहुत सारा हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है इसके लिए, कहा कि आदिवासी समाज एकजुट नहीं था उस समय, जिस समय लोग चौतरफा हमला से जूझ रहे थे, उस समय केंद्रीय सरना समिति आदिवासी समाज को संरक्षित करने का काम किया, जो कि आज देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इसके माध्यम से आने वाले जो पर्व त्यौहार है, अभी हम लोग का सरहुल भी नज़दीक है, तो हम लोग भी सरहुल भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, इसलिए हम लोग इसके लिए प्रयास भी शुरू किए हैं। और आज के दिन में हम लोग बाबा कार्तिक उराव को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनको बताए हुए मार्ग पे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सरना कोड जो बाबा कार्तिक उराव का ही मांग था और उन्होंने संसद में आवाज़ भी उठाया था कि आदिवासियों को उनका धार्मिक अधिकार दिया जाए। अभी भाषाई विवाद है, आप लोगों ने देख रहे हैं, तो भाषा भी आजकल जो आदिवासी का जो मुंडारी हो, खड़िया और जो अन्य भाषाएं हैं, विलुप्त होने के कगार में है। आज हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे जो समाज को संरक्षित करें और लोगों को जागरूक करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।